हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज की वीडियो होने वाली है इस वाले मेकअप लुक की, एंड ये एक मुस्लिम ब्राइडल मेकअप लुक है। सो मैंने क्रिएट किया है ब्राइडल मेकअप लुक। सो अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर हिट करें, एंड कमेंट कर ज़रूर बताइए कि आपको मेरा ये मेकअप लुक कैसा लगा। अगर आप देखना चाहते हो कि मैंने इसे कैसे क्रिएट किया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैं यहाँ पर लूँगी गुड वाइब्स का फेस क्रीम, एंड इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। देन यहाँ पर मैंने लिया है मालियो का प्राइमर, एंड इसे मैं अपने टी जोन एरियाज़ पर लगाकर अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। एंड ब्लेंड अच्छे से करें ताकि जो भी ओपन पोर्स है वो अच्छे से फिल हो जाए। सो नेक्स्ट मैंने लिया है वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस फाउंडेशन, इसे मैं स्पैचुला की हेल्प से अपने पूरे फेस एंड नेक पर अप्लाई कर लूँगी, एंड एक डैम्प स्पंज की हेल्प से मैं इसे ब्लेंड करूँगी। एंड आपको पुश करना है आपकी स्किन पर, एंड ये बहुत ही ईजिली ब्लेंड हो जाता है, एंड काफ़ी अच्छा लगता है मुझे ये फाउंडेशन। काफ़ी लाइट वेट है एंड अफोर्डेबल में भी आता है। सो अच्छे से ब्लेंड करें, एंड कवरेज भी आपको ठीक ठाक ही दे देता है। सो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। सो नेक्स्ट मैंने लिया है वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर, एंड ये मेरा वन ऑफ माय फेवरेट कंसीलर है, क्योंकि ये बहुत ही अफोर्डेबल के साथ साथ बहुत ही अच्छा कंसीलर है। ब्लेंड बहुत ही अच्छे से होता है, एंड मैं फ़र्स्ट इसे जहाँ जहाँ मैं हाईलाइट करती हूँ वहाँ इसे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। एंड ये काफ़ी हाईलाइटेड कंसीलर है करूँगी, एंड लाइक ए मैजिक ये बहुत ही ईजिली ब्लेंड हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। सो कवरेज भी आपको बहुत ही अच्छी देता है। एंड नेक्स्ट मैंने लिया है रेमेल का कॉम्पैक्ट पाउडर, इससे मैं अपने कंसीलर को सेट करूँगी ताकि ये क्रीज ना हो। देन यहाँ पर पूरे फेस को मैं सेट कर लूँगी, एंड यहाँ पर मैंने एडीएस का ब्रो किट लिया है, ब्रो पाउडर लिया है, इससे मैं अपने आईब्रोज को फिल करूँगी। सो जो मेरे नेचुरल आईब्रोज है उसी के शेप में ही मैं आईब्रोज को फिल कर लूँगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। सो नेक्स्ट मैंने लिया है वेट एंड वाइल्ड का आई शेडो पैलेट, इसमें से मैं ये एक ऑरेंजी शेड लेकर अपने पूरे क्रीज पर अप्लाई करूँगी, एंड इसे सर्कुलर मोशन में अच्छे से ब्लेंड करूँगी। सो आई मेकअप में आपको ब्लेंडिंग बहुत करनी होती है, क्योंकि ब्लेंड करने से आपके आई मेकअप जो है बहुत ही फ्लॉलेस दिख के आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। सो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर से एक पिंक शेड लिया है, एंड इसे मैं आउटर वी पर फोकस करते हुए थोड़ा थोड़ा कलर लेकर अप्लाई करूँगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। सो जब तक मुझे डिज़ायर कलर नहीं मिलता मैं तब तक इसे अप्लाई करूँगी, एंड एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, एंड थोड़ा सा मैं इसे आईलिड की तरफ लगाऊँगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। सो नेक्स्ट मैंने सेम वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर लिया है, एंड एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से मैं इसे स्मॉल स्मॉल स्ट्रोक पर लगाकर कट क्रीज ड्रॉ करूँगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। बहुत ही आसान सा इजी सा मेकअप है, अगर आप ब्राइड बन रहे हो तो ज़रूर ट्राई करें, एंड मुझे इंस्टाग्राम पर टैग ज़रूर करें। सो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सो ज़रूर आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। सो यहाँ पर मैंने हुदा ब्यूटी के पैलेट में से ये गोल्डन शेड लिया है, एंड इसे फिंगर की हेल्प से इस कंसीलर पर अप्लाई करूँगी, यहाँ पर आप देख सकते हो। एंड एक ब्रश की हेल्प से मैं जो हार्श लाइन आए हैं उसे मैं ब्लेंड कर लूँगी सेम पिंक शेड को लेकर, इससे आपका आई मेकअप जो है बहुत ही ब्लेंडेबल लगता है। एंड अगेन एक क्लीन ब्रश की हेल्प से हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे। नेक्स्ट मैंने लिया है HR का ग्लिटर लाइनर, एंड इसे मैं अपने 1/3 ऑफ माय आईलिड पर अप्लाई करूँगी, जहाँ मैंने गोल्डन शेड को अप्लाई किया था। बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, एंड ब्राइडल मेकअप हो तो ग्लिटर होना मस्ट है। सो इसे मैं दोनों आईज पर लगा लूँगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, बहुत ही प्रीटी लगता है। सो लगाने के बाद थोड़ा सा इसे फिंगर की हेल्प से ब्लेंड करें ताकि
अच्छा सा ग्लिटरी इफेक्ट आपको मिले। सो यहाँ पर हम थोड़ा सा ब्रॉन्ज करेंगे अपने फेस को स्कल्प्टेड दिखाने के लिए, एंड आप यहाँ पर डिफरेंस भी देख सकते हो। ब्रॉन्जिंग करने से आपका फेस जो है काफ़ी स्लिम लगता है, एंड आपके जो पिक्चर से भी बहुत ही ब्यूटीफुल आते हैं। सो थोड़ा सा फोरहेड को भी हम थोड़ा सा ब्रॉन्ज करेंगे, एंड जॉ लाइन पर, एंड थोड़ा सा नोज़ को कॉन्टोर करेंगे ताकि नोज़ जो है स्लिम लगे। एंड मैंने फॉल्सेस को अप्लाई कर लिए थे ऑफ कैमरा, एंड मैंने लिया है कलर सेंस का लिक्विड आईलाइनर, बहुत ही अच्छा आईलाइनर है। सो मैं एक नॉर्मल आईलाइनर ड्रॉ करूँगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, बहुत ही प्रिटी लगता है। एंड यहाँ पर मैंने लिया है मेबलिन का मस्कारा, इसे मैं अपने लैशेस पर अप्लाई करूँगी ताकि मेरे जो फेक एंड नेचुरल लैशेस है अच्छे से दोनों पर अच्छे से मस्कारा अप्लाई हो जाए एंड नेचुरल लगे। सो लोअर लैश लाइन पर भी मैं मस्कारे को अप्लाई कर लूँगी। देन यहाँ पर आई मेकअप को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर से मैंने ऑरेंजी शेड लिया है, इसे मैं लोअर लैश लाइन पर स्मोक आउट करूँगी, एंड सेम पिंक शेड को भी लेकर मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी, इससे जो हमारा आई मेकअप है इवन लगेगा। देन मैंने यहाँ पर लिया है एलन ब्लू का ब्लू काजल पेंसिल, एंड इसे मैं अपने वाटर लाइन पर टाइट लाइन वाटर लाइन पर अच्छे से लगा लूँगी, इससे बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं आपके आई। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लू काजल लगाने से आईज़ जो है बहुत ही ओपन अप दिखते हैं। सो सेम ग्लिटर लाइनर को मैं अपने इनर आई पर इस तरह से लगाऊंगी ताकि आईज़ जो है अच्छे लगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। सेम हुदा ब्यूटी के पैलेट में से मैंने ये पिंक शेड लिया है, बेबी पिंक शेड, इससे मैं ब्लश अप्लाई करूँगी। ब्लश को अप्लाई करें एंड अच्छे से ब्लेंड कर ले। बहुत ही इजी है इस मेकअप को क्रिएट करना। यहाँ पर हम मेकअप को फिक्स करेंगे सेटिंग स्प्रे से, एंड इसे पुश करेंगे स्पंज की हेल्प से ताकि ये मेकअप लॉक हो जाए एंड लॉन्ग लास्ट रहे। देन यहाँ पर मैंने लिया है वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर, इसे मैं अपने हाईएस्ट पॉइंट्स पर हाईलाइट करूँगी, जैसे कि ब्रॉ बोन एंड थोड़ा सा टिप ऑफ माई नोज़, ब्रिज ऑफ माई नोज़, फोर हेड, एंड लगा कर अच्छे से ब्लेंड करें ताकि ब्लेंडेबल लगे। एंड ब्राइडल पर हाइलाइटर बहुत ही अच्छा लगता है। सो मैं यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा ही हाइलाइटर अप्लाई करूँगी क्योंकि थोड़ी देर बाद ये सेटल होकर अच्छा लगेगा। लास्ट स्टेप हमारा है, जैसे कि आप ग्लो भी देख सकते हो। फर्स्ट मैं यहाँ पर MN के लिप लाइनर से अपने लिप्स को अच्छे से आउटलाइन करूँगी। आउटलाइन करने से आपकी लिपस्टिक जो है बहुत ही सही लगती है एंड बहुत देर तक भी आपके लिप्स पर रहती है। मैं आउटलाइन करने के बाद सेम लिप लाइनर को लिप्स पर फिल कर लूँगी, एंड ये थोड़ा सा मुझे रेड टोन में लगा। इसके बाद मैं यहाँ पर MN का ये लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई करूँगी, ये पिंक अंडरटोन में है। मुझे एक्चुअल जो शेड चाहिए था वो मुझे मिल गया है। जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी प्रीटी शेड लग रहा है। अच्छे से लिपस्टिक अप्लाई कर लेंगे एंड दैट्स इट। ये रहा मेरा फाइनल लुक। आई होप आपको अच्छा लगे। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। अगर आप इस मेकअप को क्रिएट करें तो मुझे टैग करना ज़रूर, टैग करें इंस्टाग्राम पर। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। लव यू ऑल, बाय बाय।